गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मालभाड़ा शुल्क को खत्म करने और अनाज को ई नीलामी के माध्यम से पूरे भारत में थोक उपयोगकर्ताओं को 2050 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर बेचने का फैसला किया है। अब किसानों की आने वाली गेहूं की फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सरकार ने कहा कि इसके अलावा राज्यों को ई नीलामी में भाग लिए बिना अपनी योजना के लिए उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर FCI से गेहूं खरीदने की अनुमति दी जा सकती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए पिछले महीने गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति की बैठक हुई थी। समिति ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के माध्यम से FCI स्टॉक से 30 LMT गेहूं जारी करने का निर्णय लिया। भारत का गेहूं उत्पादन 2021-22 फसल वर्ष में पिछले वर्ष के 109.59 मिलियन टन से गिरकर 106.84 मिलियन टन हो गया, जो कुछ राज्यों में लू के कारण हुआ था। अगली गेहूं की फसल अप्रैल में आने वाली है। सरकार के इस फैसले का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तो आने वाला समय और फसल के उत्पादन पर निर्भर है। फसल का इस वर्ष उत्पादन कैसा रहेगा, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पर समय समय पर दी जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।